कार्रवाई को शुरू करने वाले माननीय अनिल कुमार माने सर। साथियों, पुलिस प्रशासन हमें साथ सहयोग दे रहा है और हमें भी उनको साथ सहयोग देना चाहिए। 22 अक्टूबर को गुजरात में जो हमारी परिवर्तन यात्रा रोकी गई, परिवर्तन यात्रा रोकना, बैठो भाई, बैठो, नीचे बैठो। परिवर्तन यात्रा रोकना उनका उद्देश्य नहीं है। बहुजन क्रांति परिवर्तन यात्रा के माध्यम से हमारे जो राष्ट्रीय संयोजक है वामन मेश्राम साहब समाज के साथ में जनसंपर्क बढ़ा रहे हैं, संवाद बढ़ा रहे हैं, जनसमर्थन बढ़ रहा है, जनसंवाद, संपर्क, जनसमर्थन रोकना उनका उद्देश्य है। उनका दूसरा महत्वपूर्ण एक उद्देश्य है, परिवर्तन रोकना चाहते हैं। यह परिवर्तन रोकने वाला नहीं है, ये जो सरकार है वो कलम कसाई वाली सरकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल दिए हुए हैं बाबा साहब अम्बेडकर ने, कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट, वो कलम करने का कार्यक्रम कलम कसाई सरकार ने बनाया हुआ है। वो स्टैच ऑफ यूनिटी, एकता की बात कर रहे हैं। कौन सी सरकार एकता की बात कर रही है? जिन्होंने गुजरात में दंगे भड़काए वो एकता की बात कर रहे हैं, जिन्होंने मुजफ्फर में दंगा भड़काया वो स्टैच ऑफ यूनिटी के माध्यम से एकता का प्रतीक खड़ा करना चाहते हैं। ये जो सरकार है, इस सरकार का चरित्र खूनी चरित्र है, इस सरकार का चरित्र दंगा वाली सरकार का चरित्र है, इस सरकार का जो चरित्र है भ्रष्ट चरित्र है। ये सरकार लोगों के अंदर मिलाना चाहती है, हिंदू मुसलमानों के अंदर झगड़ा लगाना चाहती है। एससी एसटी ओबीसी के अलावा मेरे मुसलमान भाइयों, हमने तो बाबरी मस्जिद और राम मंदिर विवाद का षड्यंत्र पहचान लिया है। आप ये षड्यंत्र पहचानने की एक महत्वपूर्ण जरूरत है, जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से षड्यंत्र चल रहा है, यह भयानक स्वरूप धारण कर रहा है। संविधान हमें वन मैन वन वोट वन वैल्यू दे रहा है, लेकिन हमारा वोट झेरो किया जा रहा है। आजाद भारत में क्या दिया कांग्रेस भाजपा ने है? आजाद भारत में क्या दिया? आजाद भारत में आतंकवाद दिया, आजाद भारत में नक्सलवाद दिया, आजाद भारत में भूखमरी दी, आजाद भारत में बेरोजगारी दी, आजाद भारत में महिलाओं के ऊपर अन्य अत्याचार बलात्कार दिया, आजाद भारत में जीएसटी लागू हुआ, आजाद भारत में प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन लागू हुआ, आजाद भारत में स्पेशल इकोनॉमिक जोन लागू हुआ। और आजाद भारत में क्या दिया? फेको प्राइम मिनिस्टर दिया। और यह सब सत्यानाश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने किया, ये सब सत्यानाश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ने किया है साथियों। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हर हालत में फूटनी चाहिए। हम कह रहे हैं ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशनल बैलेट बॉक्स लागू करो। भारत के किसी भी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन लागू होता है तो 15 लाख फुट पर ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन 2019 के चुनाव में फूटने वाली है। भारत छोड़कर दुनिया में प्रगत राष्ट्र में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन किसी भी देश में नहीं है। और अब प्रगत भारत में बैलेट बॉक्स नहीं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो हमारा वोट बैंक जीरो कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और ये षड्यंत्र संविधान को खतरा पहुंचा रहा है, लोकतंत्र को खतरा पहुंचा रहा है। लोकतंत्र संकट में है, संविधान संकट में है, संविधान जलाया जा रहा है, देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, दंगे हो रहे हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार है? इसके लिए ये सरकार जिम्मेवार है। इस सरकार के विरोध में, गुजरात सरकार के विरोध में, वहां के पुलिस प्रशासन के विरोध में हम भारत में लाखों के तादाद में आज 550 डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन कर रहे हैं। ये जेल भरो आंदोलन आज के तारीख में खत्म होने वाला नहीं है, ये पहला चरण आज के तारीख में समापन होने जा रहा है और दूसरा चरण 18 नवंबर को होगा, वो तहसील वाइज होगा। तीसरा चरण होगा 26 नवंबर को, यानी पूरे भारत में जेल भरो आंदोलन का कार्यक्रम बनाया है। हमने हमारा युद्ध चुन लिया है और हमने जो हमारा युद्ध चुन लिया है, हम हमारे सिद्धांत के साथ
वो सुनो आपके साथ कभी समझौता करने वाले नहीं है। तोड़ देंगे। अरे तोड़ देंगे। तोड़ देंगे। तो साथियों, मैं अपनी इतनी ही बात यहाँ पे रखता हूँ और मैं मेरी बात यहाँ पे खत्म करता हूँ। मैं आपको सबको अनुरोध करना चाहता हूँ, पुलिस की लगभग 4 वाहन आए यहाँ पे, जो बड़े बड़े वाहन है, एक वाहन में महिलाएं बैठेंगी और बाकी के जो वाहन है उसमें सब जेंट्स लोग बैठेंगे और संविधान के दायरे में रहकर। नहीं, सोबत सर्व कार्यकर्ता पाठिंबा घ्या। साथियों, महिला इस गाड़ी में बैठो। जादव मैडम, गाड़ी में बैठो और संविधान मैडम बैठ, बड़ी बस घोषणा दे जा, घोषणा दे जा। नारे ओ घोषणा दे। गाड़ी चालू नाही, लाईव्ह आहे। ठीक आहे, असू दे। गाडी चालूच होत नाही म्हणतात ते। चालू आताच होती ना, आता मागे घेत नाही म्हणतात। थांबाल मी तिकडे माणसं राहतो। अरे जाऊन बसा आतमध्ये, आतमध्ये गरम होईल हो, राहू द्या बाहेर आहेत त्या। घोषणा दो। घोषणा नाही, बंद द्या घोषणा। झाले न्यायला तयार नाही तुम्हाला। आवाज दो, आवाज बडा। मैडम,
हॅलो. अरे इथेच आहे मी आंदोलनामध्ये. अरे बहुजन क्रांती मोर्चात बहुजन क्रांती मोर्चा हो घोषणा द्या घोषणा महिलांना चढू देत नाही. सिंगल लाईन मे थांबा थांबा. ए थांबा, कोणी गाडी चढू नका. हॅलो, महिलांना का थांबवलंय? ते म्हणजे महिलांना बोलतात. अरे मग आपण जाऊन काय उपयोग आहे? करतायत चर्चा, बोलो का त्यांना. त्याने यायला तयार नाही. हो मॅडम. काय भाऊ यार, आतमध्ये आतमध्ये या गाडीला अर्थ नको. गाडी बंद आहे हो साहेब. ते म्हणतात गाडी बंद आहे. लेडीज नाही जेंट्स. लेडीज कॉन्स्टेबल तर नाही. सेक्शन 41 मध्ये महिलांना रात्री पोलिसांना नेता येत नाही. आपल्याला मला महिला महिला वृद्ध आणि लहान मुलं मुलं यांना पोलिसांना नाही नेत. मग माहीत आहे तर मग कशाला तुम्ही बोलता नाही. हो पण जे कायद्याच्या बाहेर कसं रात्री नेता येत नाही. महिला शक्य नाही. मॅडम तुम्ही वकील आहे आणि तुम्हाला माहिती आहे रात्री पोलीस यायला. मॅडम रात्री सूर्यास्तानंतर महिलांना पोलिसांना येत नाही, नेता येत नाही. आपल्यालाही माहीत आहे. तुम्ही त्यांना सांगा की रात्री नेता येत नाही. मी यायचं आहे पण तसं आम्ही आम्हाला न्यायचं नाही आहे. रात्री आम्हाला कायद्याचं भंग धरू कसं काय नाही. तुम्ही ठरवा, आम्ही नाही तुम्हाला देऊ शकत. एक मिनिट थांबा.
थांबा हो थांबा तुम्ही सर थांबा तुम्ही सर आपण काय करूयात इथून किती दूर आहे दोन लाईन करून जाऊयात दोन लाईन करून जाऊयात एक किलोमीटर असेल लिहून द्या महिलांची नावं जर कोण एक आहे ना या ताईंना सांगा की सर्वांची नावं लिहून द्या बाकी त्यांची पण टोटल पोलीस स्टेशन करत आहे लहान लहान मुलं आहेत ना सर आरोग्य क्लब नाही सर मला सांगा इथे नावं घ्या नाही तर किती नावं कायद्याच्या विरोधात बोलतात कायद्याप्रमाणे नाही कायद्याच्या चौकटीला माहिती आहे ना महिलांना रात्री अटक करायला नाही 22 डिसिप्लिन फॉलो करायची आहे आपण संविधानाला मानणारे लोक आहोत संविधान अरे इकडे चला पटापट जातील महिला आपल्या त्यांच्या बरोबर कोण आहे लाईनी 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 माहिती इकडे सरळ आहे सरळ बाहेर पाडायचं चाललंय काय नक्की लाईन नकोय सिंगल काय लय हो भडकेच आहे काय दोन दोन चला काय नको कुठे गाडीमध्ये पार्टी चला बाकीचे चला जेंट चला चलो 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 बाकी चला आपल्याकडे ट्रेन चाहिए चला जायचं पुढे जातो ना मी शिंदे पुढे पुढे जातो पुढे जा बाबासाहेब आंबेडकरांचा संविधान के सम्मान में मोर्चा मैदान में देश की जनता भूखी है।
दलाल भड़ुओं की सरकार, ए सरकार वो सरकार, दलाल भड़ुओं की सरकार, दलाल भड़ुओं ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, आजादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, आजादी झूठी है, यूट्यूब पे भी लाइव डाला मैंने। जंग लड़ो बेईमानों से, अरे निकलो बाहर मकानों से, जंग लड़ो बेईमानों से, दलाल भड़ुओं की सरकार, दलाल हिजड़ों की सरकार, देशद्रोही देशद्रोही, देशद्रोही देशद्रोही, देशद्रोही देशद्रोही, आसिबो फांसी दो सालों को, संविधान चलाने वाले को फांसी दो सालों को, संविधान चलाने वालों को फांसी दो सालों को, तोड़ेंगे भाई तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे, तोड़ेंगे भाई तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे, तोड़ेंगे भाई तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे, तोड़ेंगे भाई तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे। अरे कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, अरे कांग्रेस बीजेपी ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, अरे ये सरकार वो सरकार, अरे सरकार वो सरकार, दलाल भड़ुओं ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, दलाल भड़ुओं ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, देश का सत्यानाश किया, अरे कांग्रेस जिसकी मम्मी है वो सरकार, दलाल भड़ो की सरकार, दलाल भड़ो की सरकार, अरे कांग्रेस ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, कांग्रेस ने क्या किया, देश का सत्यानाश किया, अरे कांग्रेस जिसकी मम्मी है, देश की जनता भूखी है, सबसे बड़ी झूठी है, देश की जनता भूखी है, बोलो पचासी जय मूल निवासी, बोलो पचासी जय मूल निवासी,
जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। आरएसएस जिसकी मम्मी है वो सरकार निकम्मी है। अरे जो सरकार निकम्मी है वो सरकार निकम्मी है। Yeah.
तोड़ेंगे, भाई तोड़ेंगे, वोटिंग करना है, वोटिंग मशीन तोड़ना है, नवा युवक तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे, नवा युवक तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे, नवा युवक तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे, इले मशीन तोड़ेंगे, इले मशीन तोड़ना है, तोड़ना है, तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे, मेरी बहना तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेगी, मेरी बहना तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे, मेरे रिश्तेदार तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन तोड़ेंगे, तोड़ना है भाई तोड़ना है, वोटिंग मशीन तोड़ना है, तोड़ेंगे भाई तोड़ेंगे, वोटिंग मशीन स्टेशन किधर है? तलवार 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 तलवार
विशाल रिटर्न गेला काय तर काम काय यार रे थांबा बसू नका रे बसू दे अरे या लिफ्टत मजा अरे बस तुम्ही आता बघा दिपेश कुठे दोन तीन लाईव्ह करा लाईन लाईन मध्ये भाऊ मी बस आले शूटिंग करतोय कोणी कोणतं घालू नका एका साईडला उभं असं काय इकडून थांबतो ना झाली नाही त्यांनी ना आता डायरेक्ट गेटच्या बाहेर द्या आधी आम्ही जाणार मग येणार आणि
ज्यांचं होईल त्यांना बाहेर जायला द्या, आढू नका. नाही सर, मी डायरेक्टर नाही देते, तिकडे तर जाणं. इकडे नाव झालं ना आपलं, माझं नाही म्हणणं नाव आहे. यांचं नाव घ्या पहिलं का शिर्के, जाऊ द्या तिला प्लीज. तिकडे शूटिंग साठी आहे, शूटिंग साठी नाही प्लीज, शूटिंग नाही. माने साहेबाला सांगू, साहेबाला मोबाईल सांगू देत जा त्यांच्याकडे. शूटिंग बंद करा, शूटिंग बंद करा, काढले गेटवरून बेटवरून सगळे घे आणि बंद कर. काय करू, पोलीस स्टेशन घेतलं, अरे सगळं घेतलं ना बाबा, हे घेतलं. कोपऱ्यात लाल गाडी पाहिजे तिकडून दिसणार. इथून जमत ना सर, हॅलो झालं की नाही होता, हॅलो कोण आहे पांडे बाजू फोन करतो. ठीक आहे
97 झालं लिहिलं ना राहिले त्यांनी बाहेर पाठी आला नोकरी करता नाम बता लाईन मध्ये आहे ना लोक ये तुमचं हस्त विस्त नका दाम लाईन मध्ये लाईन मध्ये काय करता नोकरी करता ऍड्रेस सांग आंबेडकर नगर दिघा ऍड्रेस खाली नाही मोबाईल नंबर 8 6 8 6 झालेलं इकडं पाठवता का जाधव वय हॅलो
खड़ा हो जयविंद दादा जयविंद बोल कसले रे काय 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 कुणाचा तिचे कुणाचा माझा भाऊ हां सर्जेराव हां वरळी पोलीस स्टेशन हो चालू आहे अजून जेलमध्येच आहे संत्रा हा